अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हर मुसलमान पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना चाहिए और किन कामों को करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे वाक्य सुने होंगे, लेकिन आज जो वाक्य हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह वाक्य इतना मशहूर नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इससे पहले ये वाक्य कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अनहु का दौर खिलाफत है। आप रजी अल्लाह ताला अनहु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ए आमिनुल मोमिनी, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहता है कि ए अमीनुल मोमिनी, मैंने शादी की थी एक औरत से और आज उस औरत की शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए हैं और यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। अब इस वाक्य से पहले दोस्तों आपको बता दे कि पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने उस बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीनुल मोमिनी के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का, और इससे पहले ऐसा वाक्य कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया, और यह पहला वाक्य था। और दोस्तों, अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था, तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी भी पैदा नहीं हुआ है, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता है बल्कि हराम का ही है। और जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वाले ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो यहाँ पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़ कर रजान का अमल शुरू कर दिया जाए। अब जैसा ही आपने हुक्म दिया और आपने यह फैसला फरमाया, तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और चलते चलते ये खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली ने उस मैदान की बजाय जहां उस औरत को संसार किया जा रहा था, वहां पर ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद पूछा कि ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि उस औरत को रजन किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया है? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जन्मा है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सभी ने ये मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया और कहा कि ए अमीनुल मोमिनी, आपने गलत फैसला किया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए अली, मैंने अपना हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हजरत अली ने फरमाया कि उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा, यह तो 2.5 साल बनते हैं, अब इनमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? तो हजरत अली ने फरमाया कि दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीने में से 2 साल निकालो, और जब आप 24 महीने निकालोगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु फरमाने लगे कि ए अली, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 महीने का बच्चा बिस्तर पर पैदा होता है तो उसे हलाल कहा जाएगा,
हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु ने फौरन सिपाहियों को दौड़ाया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु रोने लगे और आपकी चीख निकल गई और आप अपने आप से फरमाने लगे, कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा, और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी वहां से निकले और वह सिपाही भी निकले। अल्लाह का करम है, ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया और उसका सिर्फ चेहरा ही बाहर था और उसकी बहन उसे आखिरी मुलाकात करने आई हुई थी और जारो कता रो रही थी और उससे बातें कर रही थी। अब सिपाही भी वहां पर पहुंच गए, हजरत अली भी वहां पर पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रजान को रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उस जमीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी बहन से एक बात कही थी कि ए मेरी बहन, मत रो और ना ये गम कर, और कहने लगी कि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से मुझे रजान तो किया जा रहा है लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जिन्ना तो बहुत दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरूम ने छुआ तक नहीं है। और उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया। रिवायत के अंदर ही यह अल्फाज मौजूद है कि जिस तरह परिंदे में दो अंडे मिला दिए जाएं तो पता नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल और उसकी सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा भी नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा कि अल्लाह की कसम यह तो मेरा ही बेटा है, तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों यहाँ पर एक बात तो मालूम हो गई कि जो 6 महीने में बच्चा पैदा होता है उसे हलाल का समझा जाएगा क्योंकि कुरान पाक में यह फैसला मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वाक्य पसंद आया होगा। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।